तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार के कारण एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें दो दर्जन लोग घायल हो गए। घटना बांसी के खलीलाबाद मार्ग के खेसरहा थाना क्षेत्र के छुट्टी पुलिया की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बांसी SDM, CO कोतवाली अधीक्षक और खेसरहा थाना प्रभारी राहत कार्य में जुट गए। आपको बता दें कि वेस्टीज कंपनी की मीटिंग के लिए ये बस गोरखपुर जा रही थी, तभी छुट्टी पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पूरी तरह से सवारियों से भरी हुई थी, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासी पहुंचाया, बाकी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरा। डॉक्टर ने कुछ लोगों की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसराहा के CHC अधीक्षक बांसी डॉक्टर राजीव रंजन भी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि हमारे यहाँ खेसरहा में करीब 12 लोग घायल अवस्था में लाए गए थे। वहीं सियासी अधीक्षक बसंतपुर डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि बस पलटी थी, जिसमें कई लोग घायल थे। कुछ हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी तो कुछ खेसरहा में इलाजरत है, कुछ को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। टोटल 13 मरीज जो है CHC खेसरहा पे आए थे, इसमें से दो मरीजों साठने सब भीड़ थी, जिसकी वजह से उनको रेफर किया गया जिले पर, और दो मरीज हमारे बासी में गए थे, बासी PSC पर, उनको देख के उनको ट्रीटमेंट दिया गया और बाकी रेफर किया। हमें जो जानकारी मिली तो वो एक पता चला कि कहीं पास में ही बस पलटी है यहाँ से, और फिर एम्बुलेंस आई हमारे पास तो करीब 5 या 6 मरीज एक साथ आए हमारे पास, तो उसमें एक एक लड़की थी जो हमें मतलब बोली थी कि सांस में दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगा कि कहीं वो गंदा पानी उसके लंग्स में ना चला गया, तो हमने फर्स्ट एड करके थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखा, लंग्स भी ऑस्कल्टेट किया तो लंग्स तो क्लियर आ रहा था लेकिन उसका कंप्लेन नहीं जा रहा था, तो फिर उसको हमने रेफर किया और करीब टोटल हमारे पास 13 लोग आए थे, तो उसमें से 2 लोग को रेफर किया है, बाकी को सबको फर्स्ट एड दे के हमने, काफी लोग घर जा चुके हैं, 2-3-4 लोग अभी बचे। क्या नाम है, किस जगह पोस्ट है आप? डॉक्टर जय किशन सिंह, मेडिकल ऑफिसर CHC खेसरा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।